नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये कार्य जो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं कर सकते हैं। ये तो प्रेमी प्रेमिका के लिए ही उपाय बताने जा रहा हूँ। प्रेमी हो उसके वश में कर सकते हो, प्रेमिका हो उसके वश में कर सकते हो। तो भक्तों, मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ, क्योंकि अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कुछ कर ही नहीं रहे हो ना आजकल, फिर भी बताऊंगा। अपने तो हैं आप, बताऊंगा किसको। तो करें प्रेमी प्रेमिका को अपने वश में। अब किस तरीके से करना है अपने वश में, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सारी जानकारी दूंगा, प्रॉपर समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? कोई डाउट होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करके दूंगा। तो चलिए मैं आपको आगे समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है। तीन अगरबत्ती लेना। सबसे पहले धूप बत्ती या अगरबत्ती कोई भी पूजा करने से पहले जलानी चाहिए। ज़रूरत नहीं है, अगर ना हो आपके पास तो बिना धूप बत्ती और बिना अगरबत्ती की कर सकते हो, लेकिन ये पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करो तो सबसे पहले अगरबत्ती या धूप बत्ती तो लगाना ही लगाना। दीपक भी जला सकते हैं, दीपक और भी कार्य में काम आता है। थोड़ा सा आपको सर को समझा के बता दूंगा आज, और समझ लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तीन हमने बत्ती जला ली, ठीक है? देख रहे होंगे इसके अंदर है नींबू और इसके अंदर हल्दी है। अभी मैं दोबारा से डाल के आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं पहले ही डाल के रखा था, काफ़ी देर से डाल के रखा था इसको। थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चीनी, चीनी बोले तो शक्कर भी बोल देते हैं, ऐसे डाल देना, ठीक? इसमें तीन जो हैं लौंग डालना है, देख लीजिए, तीन जो हैं लौंग डालना है। ये कार्य आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य जब भी करें नहा धो करके तुरंत ही करें, जब भी कार्य हो पाएगा, ठीक है? ये मैंने डाल दिए इसमें, आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इसको पूरा मिक्स कर दिया हमने, ठीक? देख लीजिए आप, काट कर दीजिएगा इसको बीच से, नींबू को ध्यान दीजिएगा प्लीज। और ये महिलाएं कट नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ जेंट्स ही कट कर सकते हैं नींबू को। दो टुकड़ा हमने कर दिया, ठीक है? ऐसे रख दी। अभी हमारे पास बची हैं दो लौंग, ऐसे बीच में दबा देना है, ध्यान दीजिएगा पहले प्लीज, वीडियो के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एक तो हमने ये लगा दी और दूसरा ये लगा दी, देख सकते हैं इसके अंदर लौंग है हमारी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इसके अंदर पूरी हमारी लौंग पड़ी हुई है दो, और ये हमने क्या रखा था, पांच, बताया नहीं हूँ, अब बताने जा रहा हूँ भक्तों को, क्योंकि इतने जल्दी तो समझ आता नहीं है, हर एक सवाल करने लगते हैं। तो ये जो है आम की जो है डालियों की टुकड़े हैं, पांच रखना है। आम का जो भी सूखा वगैरह मिल जाए, गीला भी मिल जाए, वो भी चल जाएगा, ठीक है? धीरे से ऐसे डाल देना है, दो खाली, दो डालना ऐसे, ठीक है? इसके अंदर दो, तीन बचे हमारे पास ऐसे, लौंग हमारे पास कुछ नहीं बचे, हमारे पास तीन वो बचे। आगे दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा ऐसे ही, ये बिखरना नहीं चाहिए, ये बिखर गया तो पूरा काम ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है? देख लीजिए,
सिक्का भी दीजिए, देख लीजिएगा कैसे रखना हमें। 1 रुपये का खाली सिक्का, 1 ही रुपये का रखना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, और इसी के अंदर धीरे धीरे डालना है, सारा कुछ इसी के अंदर ही डालना है। लेकिन एक तरीका होता है कि तुरंत तुरंत नहीं डालना है, गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से हम जिसमें लपेटेंगे मैं आपको बताऊंगा। माता रानी की चुन्नी जरूर रखिए ध्यान से, माता रानी की चुन्नी में बाद में ज़रूरत बहुत बड़ी पड़ेगी, ठीक है? ऐसे डालते जाइए, वीडियो के ऊपर ध्यान देंगे, सफलता बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको, और जल्द से जल्द मिल जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर ही कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे भर रहा हूँ मैं, इस तरीके से ना पूरा अंदर ही कर देना, ठीक है? हमारा जो है थोड़ा थोड़ा लकड़ी वगैरह गिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा इसका क्या करना है आपको, तो कृपया ध्यान से देखिएगा, जब ही कुछ हो पाएगा। माता रानी की चुन्नी के ऊपर रख लेना, ठीक है? देख सकते हैं ये लो, खुद भाग रहा है खुद भाग रहा है, कह रहा माता रानी की चुन्नी के अंदर नहीं जाना मुझे, क्योंकि खतरनाक वशीकरण कभी नहीं जा सकता ऐसा। ये जो है प्रेमी प्रेमिका के लिए खास वशीकरण बनाया हूँ मैं, बताऊंगा ये नींबू का कलर कैसे हो जाएगा। आपने नींबू का कलर देखा होगा, दोबारा देखिएगा सुबह, ये नींबू का कलर क्या हो रहा है, लाल होगा एकदम, पूरा पूरा लाल होगा। हमने लाल तो नहीं किया ना, दिखाऊं खोल करके एक बार देख लीजिएगा, बाद में मत बोलिए ये लाल तो नहीं है ना नींबू, कहीं से अगर आपको लाल लग रहा हो तो बता दीजिए, पर ये प्रॉपर लाल मिलेगा। अगर आपका वशीकरण हो गया तो ये प्रॉपर लाल मिल जाएगा आपको, ठीक है? बार बार इसको खोलिएगा मत, बार बार खोलते रहें, इसको देखते रहें लाल कब हो रहा, तो ऐसा नहीं मत करिएगा, ठीक है? हमारा जो है नींबू बंध चुका है एक तरफ, अब थोड़ा थोड़ा सा जो भी सामान है ना उसको डाल दीजिएगा। कल सुबह ये नींबू जैसे ही आपको लाल मिलेगा, समझ लीजिए हो गया वशीकरण, सबसे खतरनाक वशीकरण हो गया है, ठीक है? थोड़ा भभूति इस तरीके से लगा लीजिएगा, वीडियो के ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको समझ आएगा, बाद में मत बोलिएगा गुरु जी आपने बताया नहीं समझा करके, कोई मंत्र की जरूरत, कोई तंत्र की जरूरत नहीं है, किसी दिन भी कर सकते हो। अब मैं इसको बताऊं कैसे क्या करना है, अब हमने ये बंद कर लिया पूरा, हमारा वशीकरण हो चुका है, अब जिसके ऊपर कर रहे तो हो चुका है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं हुआ। प्रॉपर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके हाथ में है ना, अब जा कर के सुनसान जगह पे जा कर के इसको खोल के देखिएगा नींबू का कलर क्या है, तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नींबू का कलर आपको क्या मिला, पूरा प्रॉपर बिल्कुल एकदम लाल मिलेगा, लाल मिल गया समझ लो हो गया वशीकरण, तुरंत जाके कुछ भी प्रपोज कर सकते हैं, खुद बोल लेंगे कुछ भी करें। तो ये मैं आपको बताया हूँ, इतिहास में चला आया है वशीकरण, तो आज तक अभी तक किसी ने चैनल में नहीं डाला होगा, कोई भी चैनल में आप देख सकते हैं नहीं डाला होगा किसी ने, लोगों की समस्याएं और परेशानी सुन सुन करके मैं इसलिए डाला हूँ, गलत किया हूँ मैं, गुरुदेव को क्षमा चाहता हूँ, और आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी तो चाहता था, इसलिए डाला हूँ। गुरुदेव को अपने तरफ से मैं तहे दिल से
चरण स्पर्श करता हूँ, क्षमा करें मुझे गुरुदेव मेरे, मैं लोगों की समस्या नहीं देख सकता, इतनी बड़ी बड़ी समस्या होती हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो, अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आगे जवाब दे सकता हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, कोई भी आपका सवाल जवाब हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दूँगा। जय माता दी, जय श्री राम।